बहुत क्रोध बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उस क्रोध को रोक लिए। तो इसके बाद कुबेर जी आए, यक्षों के स्वामी, वे आए। बहुत कुछ शंका थी कि कुबेर जी ध्रुव को दंड देंगे, क्योंकि हजारों यक्षों का वध कर दिया था ध्रुव ने। लेकिन कुबेर जी बहुत प्रसन्न थे, जब प्रकट हुए ध्रुव के सामने तो ध्रुव महाराज बिल्कुल शांत थे और उन्होंने कुबेर जी को प्रणाम किया। कुबेर जी बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद वे कहते हैं, महाराज आपने अपने पितामह के आदेश से दुस्तेज वैर को छोड़ दिया, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने साफ कहा कि आपने यक्षों का वध नहीं किया और न यक्षों ने आपके भाई का वध किया, ये सब होने वाला था, हो गया, हमें इसकी चिंता नहीं है कि इतने यक्ष मारे गए। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार फल लिखा रहता है, तो जो हुआ वो भगवान की इच्छा मानी जाएगी। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। बहुत बड़े देवता और बहुत धनी देवता ध्रुव महाराज को वर मांगने के लिए कह रहे हैं। वृणी ही का अर्थ है वरण करो, मांगो। वृणी ही कामम निर्पजन मनोगतम, कामम अपनी कामना के अनुसार आपके मन में जो भी इच्छा है मनोगतम, वह वर मुझसे मांगिए। आप राजा हैं, मनु महाराज की वंश परंपरा में तो राजा हैं, आपको अवश्य इच्छा होगी बहुत बड़े धन की, तो मांगिए हमसे। वृणी ही कामम नृपजन मनोगतम, मत्तः मुझसे मांगिए, मुझको जान जाइए मैं कौन हूँ, मैं स्वर्ग का कैशियर हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी। आजकल के कैशियर जैसा नहीं कि केवल वे पैसा गिनते हैं और देते हैं, नहीं, अधिकारी, मत्तः मैं बहुत बड़ा धनाधिकारी हूँ, आप मुझसे मांगिए, ये आपके मन में जो भी है, जो आप मांगना चाहते हैं मांगिए, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप महाराज उत्तान पद के पुत्र हैं, अवतान पदे और अविशंकित, कोई शंका मत कीजिए कि देंगे नहीं देंगे, अधूरा देंगे, आप जो मांगेंगे मैं वर दूंगा। वरम, मैंने सुना है सुश्रुमा, मैंने सुना है कि आप भगवान कमलनाभ के चरणों के पास पहुँचे हुए हैं, आपने भगवान को प्राप्त किया है। ये सूचना फैल गई थी सब जगह कि ध्रुव महाराज मधुबन में तपस्या किए और भगवान उनको दर्शन दिया, उनकी कामना पूरी किए। वो घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज जब छोटे बच्चे थे 5 वर्ष के, तो उस समय एक दिन राजभवन में महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे और उनका छोटा बेटा उत्तम
जो लगभग 4 वर्ष का था उसको गोद में लेकर के प्यार कर रहे थे, लालन कर रहे थे। तो ध्रुव खेलते खेलते वहाँ चला गया। वही बच्चा था, बच्चे को गोद में देख करके इसको लालसा हुई कि मैं भी पिता की गोद में चढ़ूं। लेकिन पिता उतान पाद उस समय सुरुचि के साथ थे, सुरुचि वही थी जो उत्तम की माता थी। तो ध्रुव जब चढ़ रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, गोद में आरोहण करना चाहते थे, पर फिर भी राजा देख करके भी उनको उठाए नहीं, प्रोत्साहित नहीं किए। तो ध्रुव प्रयास कर रहे थे गोद में चढ़ने का, तो चढ़ाना तो दूर रहा, उसमें सुरुचि बोलती है राजा को सुना करके। वत्स, ध्रुव तुमको पता नहीं है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, बच्चा है, नादान है, राजा के गोद में वही चढ़ सकता है जो मेरे पेट से जन्म लिया है, तुम नहीं चढ़ सकते हो। राजा पूरा कमांड में था अपनी पत्नी के। मनु महाराज का पुत्र था उत्तानपाद, वो राजा, वे भी बच्चे को गोद में लिए नहीं, क्योंकि सुरुचि खड़ी थी। उसने कह दिया कि तुम पिता की गोद में नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो परंतु रानी के पुत्र नहीं हो। राजा के गोद में वही चढ़ सकता है जो मेरा पुत्र है। तुम्हारी माँ कोई रानी नहीं है, वो तो दासी है, अतः तुम प्रयास मत करो। अगर तुम राजा का पद पाना चाहते हो, गोद में चढ़ना चाहते हो, तो वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो, और वे जब प्रकट होंगे तब उनसे ये वर मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के कोख से होना चाहिए, और इस तरह से जब तुम मेरा पुत्र बनोगे भगवान की कृपा से, तब मैं तुम इस सिंहासन पर चढ़ सकते हो। तो ध्रुव को बहुत दुख लगा, वे रोते हुए अपनी अम्बा के पास चले गए, जिसका नाम सुनीति था। सुनीति प्रारंभ से ही भगवान का भक्त थी, भगवान पर विश्वास था। वो भी रोने लगी, लेकिन ध्रुव को उसने सांत्वना दिया, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ होते हुए भी सुरुचि ने ठीक कहा है, यदि तुम उत्तम के समान राज्य चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। एक माता अपने छोटे से बेटा को करे तुम भक्ति करो, उसको विश्वास था कि भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है, सहज विश्वास था। तो सुनीति के, अपनी माता के उपदेश से ध्रुव महाराज घर से निकल गए। कहाँ जाने के लिए, वन में कोई ठौर ठिकाना नहीं था, चारों तरफ वन ही था। ये घटना बिठूर की है, कानपुर की। वहाँ से ध्रुव महाराज निकल गए, तो श्री नारद जी मिल गए। नारद जी परीक्षा कर रहे थे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो ध्रुव महाराज ने कहा, मैं जा रहा हूँ भगवान को खोजने। तो नारद जी ने कहा कि अरे भगवान को खोजना बड़ा कठिन है, बहुत बहुत जन्मों तक
बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते रहते हैं, भजन करते हैं, लेकिन भगवान मिलते नहीं। तुम घर लौट जाओ, बच्चा हो, क्या करोगे? तुमको शांति रखनी चाहिए। जो अपने कर्म के अनुसार स्वाभाविक प्राप्त होता है उसी में संतोष करना चाहिए। ये राज्य की इच्छा क्यों करते हो? संतोष करो, शांति रखनी चाहिए, घर लौट जाओ। तो ध्रुव महाराज ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, आप जो उपदेश कर रहे हैं वो ब्राह्मणों के लिए है। शांति रखना, संतोष करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे मत सिखाइए। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा हृदय टुक टुक हो गया है, सौतेली माता के वचन बाणों से मेरा हृदय टूट गया है। आपका उपदेश अमृत के समान है, लेकिन ये अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। मतलब आपकी बात हमें अच्छी नहीं लग रही है। मैं जाऊंगा ही वन में और भगवान से भेंट करूंगा और उनसे मैं राज मांगूंगा, साधारण राज नहीं, सबसे बड़ा राज जो अब तक ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है, जो मेरे प्रपितामह हैं। और मेरे पितामह मनु महाराज को भी नहीं मिला है, जो किसी को पद नहीं मिला है, सबसे बड़ा राज्य मैं मांगूंगा भगवान से। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा निर्णय ठीक है। तो उन्होंने भजन की विधि बताया। सबसे पहले स्थान बताया, तुम यहाँ से चले जाओ वृंदावन, मधुबन, जो भगवान की प्रिय भूमि है, जहाँ भगवान नित्य रहते हैं, वहाँ चले जाओ और ऐसे भजन करना, 3 बार स्नान करना कालिंदी में, और वन में जो भी फल मिले वही खाना, कहीं होटल सोटल में मत जाना। वन में जो फलहार मिले वही खाना, और भगवान की मूर्ति मन में धारण करके भजन करना। भगवान के रूप का उन्होंने वर्णन किया, भगवान सांवले बादल के समान परम सुंदर हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र पद्म धारण किए रहते हैं, कपड़ा पीला पहनते हैं, बहुत सुंदर हैं, उनकी छाती पर श्री लक्ष्मी जी रहते हैं, इस रूप का ध्यान, उनकी आँखें कमल के समान खिली रहती हैं, बहुत करुणा भरी रहती है आँखों में। जो नारद जी ने भगवान का ध्यान करने के लिए उनको कहा, भगवान के रूप का वर्णन किया। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने को कहता है तो भजनीय का भी वर्णन करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि भगवान निराकार हैं, कुछ भी तुम चिंतन करो, ये बेवकूफ़ी है। भगवान एक व्यक्ति हैं और सबसे सुंदर, सबसे ऐश्वर्यवान, सबसे बड़े ज्ञानी। तो नारद जी ने वर्णन किया भगवान के रूप का। गए ध्रुव महाराज, जिस रात पहुँचे उस दिन उन्होंने उपवास किया। यही नियम है, तीर्थ में पहुँचने पर पहले ही दिन खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए, कहाँ रेस्टोरेंट मिलेगा, क्या होगा, ये होगा। तीर्थ में पहुँचने पर एक दिन एक समय उपवास करना चाहिए। तो छोटा बच्चा मधुबन पहुँच करके उस रात कुछ खाया नहीं, और दूसरे दिन अपने गुरु के आदेश के अनुसार, नारद जी के संकेत के अनुसार
भक्ति करना चालू किया। तो नारद जी ने बताया था, भगवान के रूप का वर्णन किया था और इसके साथ मंत्र भी दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को दिया था। ये महामंत्र की तरह है, सत्ययुग में सभी लोग इसी का जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव पुत्र श्री भगवान को नमस्कार है। तो ध्रुव महाराज तपस्या किए, 5 महीना तपस्या किए, 6ठे महीने में उनको भगवान का दर्शन हो गया। एक घटना जब घटी थी उनके राजभवन में, इसके विषय में एक भक्त हमसे पूछे थे कि इतने बड़े कुल में इतना बड़ा द्वेष, महाराज मनु के वंश में एक स्त्री इतना द्वेष की अपने पुत्र से, सौतेले पुत्र से, ध्रुव से। मैंने उत्तर दिया था कि ये ठीक हुआ, मनु महाराज का कुल बहुत बड़ा कुल है, डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र हैं और द्वादश महाजनों में एक महाजन है, महान भक्त हैं, फिर भी उनके वंश में ऐसा हुआ। सुरुचि ने छोटे से बच्चे को इतना कठोर बोला, उसे ध्रुव को दुख लगा, उसी के कारण वे भगवान की भक्ति किए। ये ठीक हुआ, यदि ध्रुव गोद में चढ़ गए होते तो भगवान की भक्ति करने के लिए मधुबन नहीं गए होते, फिर वहीं पर बिठूर में रहते और भोगों में फंस जाते, राज करते। तो उत्तानपाद के मन में जो यह हुआ कि मैं गोद में न लूं ध्रुव को, यह भी अच्छा हुआ, इसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान कोई न कोई प्रकार से हित करने के लिए करते हैं। अगर कभी धन की हानि हो रही है या मान नहीं मिलता है, पद नहीं मिलता है, तो उसमें भगवान की कृपा ही है। ध्रुव को प्रारंभ में पता नहीं चला, वे सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ी अकृपा है भगवान की, कि हमारी सौतेली माँ हमको घर से निकाल रही है। लेकिन अच्छा हुआ, जब सुरुचि बोल रही थी ध्रुव को तो राजा भी चुपचाप सुन रहे थे और डर रहे थे अपनी पत्नी से कि मैं गोद में ले लूँगा तो ये रंज हो जाएगी। ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ ध्रुव के लिए, उससे उनकी मति भगवान को पाने में लग गई, ये मधुबन आ गए और तपस्या किए, भक्ति किए। तो इस तरह की घटनाएं हम लोगों के भी जीवन में होती हैं, लेकिन हम लोग कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोच लेते हैं, अच्छा ये करेंगे ये करेंगे। ध्रुव के लिए निश्चित हो गया कि अब ये राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि बचपन में ही पिता की गोद में नहीं चढ़ सकते थे तो राजा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सुरुचि चाहती थी कि अभी से गोद में न बैठे, अभी से राजा का पुत्र यह है, इस रूप में ख्याति नहीं होनी चाहिए। तो वही ध्रुव, इनको दुख लग गया, वो दुख लगा बहुत अच्छा हुआ, वे भगवान की गोद में चले गए।
भगवान को प्राप्त किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं सबके जीवन में कभी न कभी होती हैं, लेकिन उस घटना को ही भगवान का वरदान समझना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, हमें निश्चय करके और भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। कभी ऐसे बहुत अवसर आते हैं, धन नष्ट हो जाता है, स्वजन विरोधी हो जाते हैं या स्वास्थ्य खराब हो जाता है। किसी भी स्थिति में भगवान परम कृपामय हैं, उनकी कृपा देख करके और उसी स्थिति में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इतने महान वंश में, उत्तान पाद के वंश में, महाराज मनु के वंश में एक घटना हुई और उसी घटना ने ध्रुव को ध्रुव बना दिया। भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने, उस समय ध्रुव महाराज भगवान के सौंदर्य और ऐश्वर्य का वर्णन करना चाहते थे, लेकिन स्कूल गए नहीं थे, कुछ पढ़े नहीं थे, बोलना चाहते थे बोल नहीं सके, बोलने की इच्छा थी लेकिन भगवान को देख रहे थे गरुड़ जी पर चढ़े हुए श्री भगवान, और ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे। तो श्री भगवान तो सबके अंतर्जामी हैं, उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा मेरे विषय में बोलना चाहता है, तो भगवान ने तुरंत अपने कर कमल से शंख लिए थे, उसी शंख से ध्रुव महाराज के कपोल में छुआ दिए, गाल में छुआ दिए, और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज समस्त ज्ञान से संपन्न हो गया, समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। 12 श्लोक में भगवान की वे स्तुति किए हैं, उसको सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं कि ये 12 सूर्य की तरह समस्त वस्तुओं अध्यात्म को प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य एक इतना प्रकाश देते हैं, अगर 12 सूर्य उग जाएं तो कितना प्रकाश होगा, तो किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को ज्ञान हो गया भगवान के तत्व को, भगवान के रूप, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के ज्ञान, भगवान की महिमा को पूरा पूरा जान गए और उन्होंने व्यक्त किया है, बड़ा सुंदर स्तुति है। उसके बाद ध्रुव महाराज अपने घर लौटे, राजा आए स्वयं रिसीव करने के लिए। ध्रुव महाराज पहुँचे थे बगीचे में, जो राजा उत्तानपाद आए उनका आलिंगन किया, और जिस समय ध्रुव महाराज का वे आलिंगन कर रहे थे तो उनका शरीर पुलकित था, यह सोच करके कि ये हमारा बेटा भगवान का स्पर्श करके लौटा है, भगवान को छू करके आया। बहुत प्रसन्न थे और सुरुचि ने भी, इनकी सौतेली माँ ने आशीर्वाद दिया। जब ध्रुव महाराज प्रणाम किए दोनों माताओं को, अपनी माता सुनीति को और विमाता सुरुचि को प्रणाम किए, सबसे पहले सुरुचि को ही प्रणाम किए, तब सुरुचि ने आशीर्वाद दिया बेटा चिरंजीवी रहो। वो इतना द्वेष करती थी, वही सुरुचि भगवान को प्राप्त करने के बाद ध्रुव को आशीर्वाद दे रही चिरंजीवी होने का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे महान देवता ध्रुव महाराज से बहुत प्रसन्न है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो सभी देवता कृपा करते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बिलोमंगल ठाकुर जी के एक श्लोक को कहा है कि जब भगवान की भक्ति होती है तो और सिद्धियां दासी के समान
सेवा का अवसर देखती है कि हमें इस भक्त की सेवा का कब अवसर मिलेगा। स्पष्ट कुबेर जी कह रहे हैं कि हे महाराज, हमने ऐसा सुना है कि आप भगवान के चरणों के पास पहुँचे हुए हैं, भगवान से वर प्राप्त किए हैं। जब भगवान से आपको वर मिला है तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी आपके मन में जो है वो हमसे मांग लीजिए। तो ध्रुव महाराज क्या वर मांगे बाद में वर्णन है कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं, तो भगवान की अचल स्मृति दीजिए। भगवान को मैं कभी विस्मृत न हों, मुझ में कभी क्रोध न आवे, भगवान की भक्ति दीजिए। इस वरदान से वे और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि महाराज यह ऐसा ही हो। तो इस प्रसंग को कहते हुए मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, महात्मा ध्रुव, जब ध्रुव महाराज ने भक्ति का वरदान मांगा तो उनको मैत्रेय जी महात्मा कह रहे हैं। महात्मा ध्रुव ने ये वर मांगा, भगवान की अखंडता भक्ति, ऐसी भक्ति जो कभी खत्म ना हो। इतना बड़ा अवसर मिलने पर उन्होंने मांगा भगवान की भक्ति बढ़े, कभी समाप्त ना हो, भगवान की स्मृति हमेशा मेरे हृदय में रहे, यही वर दीजिए। तो उन्होंने वर दिया और बड़े प्रसन्न थे। जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो सभी देवता कृपा करते हैं। भगवान शंकर, भगवान गणपति जी, सूर्य आदि सभी प्रसन्न होते हैं। माता दुर्गा जी आशीर्वाद देती हैं कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति में मुख्य है भगवान के नाम का जप कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद जी की दया से ये सब जगह सुलभ है, भगवान का परम सुंदर मंदिर है। तो यहाँ आते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छा है। आकर भगवान को प्रणाम करना, भगवान के बारे में कीर्तन सुनना, कथा सुनना, और भक्तों का दर्शन करना, ये बहुत अच्छा है। यह भक्ति बढ़ते बढ़ते और अधिक घनीभूत हो जाए, जिससे हम लोग जीवन के अंत में भगवान को पा लें, बस यही सिद्धि है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। अभी कुछ समय है तो कुछ किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए। हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम है। महाराज, जो भगवान चार चीजें धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, तो ये क्या चीज दर्शा रहे? हरे कृष्ण। क्या प्रश्न किए? शंख का अर्थ क्या? शंख आप देखे हैं ना, शंख यहाँ रोज बजता है,
वह शंख भगवान ने धारण किया था, उसका नाम पांचजन्य था, और भगवान की गदा उसका नाम है कौमोदकी। कमल इसका सीधा अर्थ तो यही है, जो आकार है भगवान का दिव्य कमल है, भगवान के हाथ में दिव्य गदा है और सुदर्शन चक्र है, इसको धारण किए रहते हैं। और इसको भगवान क्या रिसेम्बल कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो इतना ही जानते हैं भगवान के हाथ में चक्र है, कमल है। भक्त लोग अनेक भावों को कहा करते हैं कि भगवान कमल दिए हैं भक्त के त्रिताप को ख़त्म करने के लिए। कमल शीतल होता है, सुगंधित होता है, तो भगवान का आश्रय हम लेते हैं तो हमारे जीवन में जो जलन है, ताप है, वो समाप्त हो जाएगा। अनेक भाव व्यक्त किए गए हैं शंख चक्र गदा पद्म पर, लेकिन मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ जानकारी उसके विषय में नहीं। अब जब भी भगवान का स्मरण होता है तो बस यही होता है कि हाथ में पद्म लिए हैं, गदा लिए हैं, इस गदा का चक्र का क्या अर्थ है, किस लिए धारण किए हैं। गदा और चक्र तो असुरों का वध करने के लिए लिए, कमल जैसा सुंदर भगवान का कर हाथ है, भगवान का सभी अंग कमल से भी अधिक सुंदर है। चरणारविंद, चरण बहुत सुंदर है कमल के समान, हाथ बहुत सुंदर है कमल के समान, मुख बहुत सुंदर है, मुखारविंद, करारविंद, और भगवान हाथ में कमल लिए रहते हैं, इससे संकेत है कि हमेशा कमल पर दृष्टि रहे और कोई तंबाकू न ले हाथ में। कोई ऐसी गड़बड़ चीज न ले। लक्ष्मी जी भी अपने हाथ में कमल लिए रहती हैं। कमल भगवान को बहुत प्रिय है। हाथ में यही रखना चाहिए, कमल जैसे सुंदर वस्तु, और कमल धारी भगवान को हृदय में रखना चाहिए। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार दिल्ली के प्रायः सभी लोग कमल को ही पसंद किए। अच्छा हुआ, भगवान से विनय करनी चाहिए कि अच्छा समय आवे और भगवान सबको सद्बुद्धि दें। जो लोग चुन करके आए हैं उनको भगवान बुद्धि दें, जिससे वे भारत की जनता की सेवा अच्छी से कर सकें, गोहत्या आदि बंद हो,
ये भगवान से कामना है। हरे कृष्ण। हरि बोल। महाराज को अभी जाना है, ये लास्ट क्वेश्चन और भी नहीं। नहीं हो गया होगा, जाना है, जाना है। महाराज आपने बताया जैसे कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और अनुकूल हो जाते हैं उसके, परंतु भागवतम में ही हम दूसरा वो भी पढ़ते हैं कि जो देवी देवता हैं, देवतागण कई बार ईर्ष्या करते हैं और उसके भक्ति में विविधान उत्पन्न करने के लिए या पतन करने के लिए विषय भोग की। नहीं, भक्ति में बाधा नहीं देते हैं देवता लोग, तपस्या में बाधा देते हैं। कभी कभी वो स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग में बड़ा पद चाहता है, तब देवता लोग बाधा देते हैं। भक्ति करता है तो बाधा नहीं देते हैं। केवल तपस्या करना और भक्ति करना, इन दोनों में अंतर है। तपस्या करके कोई इंद्र बनना चाहता है तब इंद्र भगवान कोई अप्सरा भेज करके बाधा देते हैं, उसकी तपस्या नष्ट करते हैं। इसे ये क्वालिफिकेशन अर्जन न करे और स्वर्ग न पहुँचे। देवताओं में अपने पद को बचाने की बड़ी उत्कंठा रहती है। अगर कोई भी तेज बनता है, तपस्या करता है, तो ये लोग कोई न कोई बाधा देते हैं, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, या चाहे अप्सरा के रूप में, कोई न कोई प्रलोभन की वस्तु दे करके हटा देते हैं तपस्या से। भक्ति में बाधा नहीं देते, भक्ति करने पर तो सब प्रसन्न होते हैं। यदि कोई ज़्यादा जप करता है, 16 माला जप करता है, उससे अधिक करता है, तो देवता कोई बाधा नहीं देते हैं। भगवान की आरती करता है, कीर्तन करता है, तो देवता बाधा नहीं देते हैं। यदि कोई बुक डिस्क्रिप्शन कर रहा है तो देवता प्रसन्न होते हैं, बाधा नहीं देते हैं। राक्षस बाधा दे सकते हैं, देवता बाधा नहीं देते हैं। पर भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगने पर सभी देवता अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। अब देख ही रहे हैं देवता बहुत बड़े, कुबेर जी, इनके हजारों आदमी मारे गए थे और ध्रुव ने मारा था, फिर भी ध्रुव से इतना प्रसन्न है और वर देने के लिए तैयार है। यही स्वभाव देवताओं का है। ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप भगवान के ध्यान में सदा रहते हैं और भगवान के पास पहुँचे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान वर दिए हैं ध्रुव को, वर दिए थे कि इस जीवन में 36,000 वर्ष तक आप राज्य करेंगे पृथ्वी का और आपकी इंद्रियों की शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। आँख हमेशा देखती रहेगी, कान सुनता रहेगा, हाथ में शक्ति रहेगी, पैर में शक्ति रहेगी, कभी शक्ति व्याहत नहीं होगी। अब 36,000 वर्ष तक यहाँ का राज भोगेंगे, अपने पिता का राज, और इसके बाद आप ध्रुव लोक प्राप्त करेंगे, जहाँ पुनर्जन्म नहीं है, जहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ गिरना नहीं होता है, पुनरावर्तन नहीं।
इतना बड़ा वरदान दिया भगवान ने, और कुबेर जी इसको सुने हैं इसलिए और अधिक प्रसन्न हैं। कुबेर जी या देवराज इंद्र कोई भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यदि स्वर्ग जाना चाहेंगे और वहाँ कोई देव पद पाना चाहेंगे तो देवता को ईर्ष्या होती है। इस मैटेरियल जगत में स्वाभाविक है, कोई देवता ऊंचे पद पर है और कोई उसी पद को हथियाना चाहे तो उसको तो ईर्ष्या होगी। लेकिन भक्तों में ये स्वर्ग और भोग की कोई इच्छा नहीं होती है, वो भगवान का लोक प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए देवताओं को कोई ईर्ष्या नहीं होती। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभु। One last question. Here. Chala. Here. Sif last, only last. Chota sa. Time ho gaya Maharaj, over ho raha. Abhi baad mein prashna kar sakte hain Maharaj, abhi class lenge. Hare Krishna. हरे कृष्ण। अब हम सब महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। महाराज ने समय निकाल के यहाँ पे अपना सत्संग प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमारे बीच में इस वक्त भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज आपके समक्ष प्रवचन देंगे, आप सभी भक्त लोग कृपा करके बैठे रहे। हरे कृष्णा। देर इज ए स्पेशल ब्रह्मचारी क्लास एट 12:30 नून इन ब्रह्मचारी आश्रम प्रसादम हॉल by His Holiness Bhakti Siddhanta Swami Maharaj. 12:30 noon. Chakshuramaditam yena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manobhistam stapyam yena bhutale swayam rupa kadam ayam dadati svapadantikam vanchakalpatrubhyascha kripasandubhi vacha padidanam pavanebhyo vaishnavibhi namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Go Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vakam Karoti Bhatalam Pangum Langayate Girim Kripatamam Bande Shri Ramdinatarnam Shri Paramadabhadavam Shri Chaitanya Ishvaram Hare Krishna. Ah, translation. Hindi Torah Torah. Maharaj has given a very wonderful class and glorification of Dhruva Maharaj. Maharaj,
The devotees of the Lord, Samahatma Sidralabha. These devotees in the age of Kali give us understanding and how we can remember Krishna and distribute Krishna. तो इस प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है कि सह महात्मा से दुर्लभा ये भक्त लोग इस कलयुग में हमारे को बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए. As you know, today is the appearance day of Srila Vrindavan Das Thakur. जैसा कि हम जानते हैं कि आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है. वृंदावन दास ठाकुर की जय. Vrindavan Das Thakur was such an empowered servitor of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Vrindavan Das Thakur Sri Chaitanya Mahaprabhu ke dwara vishesh roop se shakti pradat the. He has a very wonderful history in relationship to Lord Chaitanya. Unka bahut adbhut itihas hai Sri Chaitanya Mahaprabhu ke sambandh mein. His mother, who is the niece of Srivas Thakur, उनकी माता जी जो कि श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी. नारायणी, she was always present during the nocturnal kirtans of Sri Chaitanya at Srivas Sangam. और जिनका नाम था नारायणी वो हमेशा जो कि रात्रि में श्री चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ करता था उसमें हमेशा उपस्थित रहती थी. She was very young at that age. I think that those pastimes, she was around age of 4. उस समय वो बहुत छोटी थी लगभग उनकी 4 साल की उम्र थी उस समय. And what would Sri Chaitanya Mahaprabhu do? और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? He would force her to take his remnants. और वो हमेशा अपना जो है महाप्रसाद उनको देते थे. महाप्रसादम की जय. Yeah. Everybody would be running to the altar after class. That the deity Nitai Gaur on the altar, non-different from Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये जो altar में शिष्य Nitai Gaur सुंदर बैठे हैं, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं. Who came 500 years ago? जो कि लगभग 500 साल पहले प्रकट हुए थे. So this Mahaprasadam, Mahaprasadam Govinde. Where would we all be without Mahaprasad? तो कब वो महाप्रसाद मुझे प्राप्त होगा? In this way, Mahaprabhu would give Narayani the remnants, his direct remnants. तो इस प्रकार से वो अपना डायरेक्ट महाप्रसाद जो है नारायणी को दिया करते थे. And according to the acharyas, it is the remnants she received from Mahaprabhu which. Go ahead. तो आचार्यों के अनुसार ये श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ही था. Which invited the jewel-like Vrindavan Das Thakur to take birth, come into her womb. और उस महाप्रसाद के कृपा से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है नारायणी के गर्भ में आए. Vrindavan Das Thakur was not an ordinary devotee. वृंदावन दास ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं है. He was born in Mamgachi. Yes. उनका जन्म मामगाछी में हुआ था. And actually, when he was born, Mahaprabhu took sannyas when he was at the age of 4. तो जब उनका जन्म हुआ था तो लगभग जब उनकी 4 साल की उम्र थी तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था. And when Mahaprabhu left this world, uppercut, he was only at the age of 20. तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार से अप्रकट हो गए थे उस समय उनकी आयु लगभग 20 साल की थी. But I say he was not an ordinary devotee. परंतु हम कह रहे हैं कि वो कोई साधारण भक्त नहीं थे. Actually, he was an incarnation of Srila Vyasadev himself. वास्तव में वो श्रीला व्यासदेव जी के अवतार थे. Now you may note in Srila Vyasadev's Leela. तो हम सब जानते हैं व्यासदेव जी की लीला के बारे में. He presented all the Vedic scriptures and the Puranas and so much unlimited Vedic knowledge. उन्होंने बहुत सारे वैदिक शास्त्रों को और पुराणों को और बहुत सारे जो है शास्त्र वैदिक ज्ञान को प्रकट किया. But he was discontent. परंतु वो फिर भी असंतुष्ट थे. And Narada Muni, his Guru Maharaj, explained, "You have not delineated, you have not described the Lord's personal pastimes and features
in the proper manner. और उनके गुरु महाराज नारद मुनि ने उनको बताया आके कि तुमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को उनके गुणों को उनकी संबंधित वस्तुओं को बहुत अच्छे से तुमने उसका वर्णन नहीं किया है. So then he presented the Srimad Bhagavatam. और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित किया. The pure fruit of Vedic knowledge. वैदिक ज्ञान का शुद्ध फल था वो. Now Srila Vrindavan Das Thakur was thinking, I mean he was empowered, I'm not going to make the same mistake again. तो अब वृंदावन दास ठाकुर अब सोच रहे हैं कि दोबारा सेम गलती मैं नहीं करने वाला. So in writing the Chaitanya Bhagavat, which describes the personal pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, और उन्होंने श्री चैतन्य भागवत लिखी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो निजी सुंदर लीलाएं उनका वर्णन करती है. Who is Sri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahayanya. He is actually Radha and Krishna combined. और ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहायान्य श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का संयोग है. So we were hearing about how Dhruva Maharaj was a great emperor. तो हम ये सुन रहे थे कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज एक विख्यात बहुत बड़े सम्राट थे. And in the same way, Vrindavan Das Thakur, Srila Vrindavan Das Thakur was a great emperor in transcendental writing. और उसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी बहुत बड़े सम्राट हैं दिव्य ग्रंथों की रचना में. He understood the mindsets of his audience. वो उनके श्रोताओं के मन को समझ सकते हैं. So in this book, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati described, you just read the Chaitanya Bhagavat and it's all you need. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये पुस्तक सिर्फ आप इस पुस्तक चैतन्य भागवत का अध्ययन करो बस यही केवल हमारी आवश्यकता है. If one can understand Nitai Gaur, understand Lord Chaitanya, then everything comes. अगर कोई व्यक्ति निताय गौर श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है तो हर वस्तु उस पे आएगी हर सब कुछ प्राप्त होगा उसको. So in this way he understood the mindset and presented his eloquent literature to capture the heart. और इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर सबके मनोवृत्ति को समझ करके इस प्रकार से उन्होंने एक ग्रंथ को प्रकट किया जो कि सबों के हृदय को प्रभावित कर सके. In the Valmiki Ramayana is clearly described how Lord Ram was very sensitive to his residents in the kingdom. He wanted to understand their mindset. तो जैसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा के बारे में बड़े सावधान रहते थे और हमेशा प्रयास करते थे कि सबके मनोवृत्ति को समझने का. So in order to understand how the persons in his kingdom were thinking, he himself would go in disguise from home to home and listen to their katha. तो सबकी मनोवृत्ति को समझने के लिए कि कैसे वो लोग सोच रहे हैं स्वयं अपना बहरूपिया बनके अपना वेश बदल के अलग अलग स्थानों पर जाके सबके घरों में सुनते थे कि वो क्या चाहते हैं क्या सोचते हैं. And in one house, he heard some criticization of him in regard to Sita. और एक घर में उन्होंने कुछ निंदा सुनी सीता महारानी के संबंध में उनकी. How is Lord Ram accepting a lady who's been touched by another? तो किस प्रकार से भगवान रामचंद्र एक स्त्री को स्वीकार कर रहे हैं जो कि दूसरों के द्वारा स्पर्श की गई है. Into his home. वो भी अपने घर में. In this way, this is of course the leela of the Lord. That is when he sent Sita away. निसंदेह ये भगवान की लीला है और इसी कारण से उन्होंने सीता महारानी को घर से भेज दिया. Because his pastime was in one sense as he was like a henpecked husband. He had to create a war to regain his wife, to bring her back. तो ये एक प्रकार से इस लीला में दिखा रहे हैं कि भगवान एक प्रकार से एक स्त्रियों में अपनी स्त्री में बहुत ज्यादा आसक्त पुरुष थे और अपनी स्त्री को प्राप्त करने के लिए पूरा युद्ध उन्होंने रच लिया था. But as the supreme emperor at that time, he understood the mindset of the individuals around him. और एक परम सम्राट होने के कारण वो सब जितने भी लोग उनके आसपास थे प्रजा थी सबके मनोवृत्ति को वो समझ सकते थे. If we look at the example of Maharaj Yudhishthir, another great emperor. तो हम उदाहरण के लिए महाराज युधिष्ठिर को दे सकते हैं जो कि एक और महान सम्राट थे. One emperor is God and the other is his perfect servant.
तो यहाँ एक एक जो अभी सम्राट की चर्चा की गई है वो तो भगवान थे और अब जिसकी चर्चा की जा रही है वो उनके भक्त हैं। Now Yudhishthira is known as Ajatashatru, one who has no enemy. युधिष्ठिर महाराज अजातशत्रु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका इसका अर्थ है जिनका कोई शत्रु नहीं है। Now before the battle of Kurukshetra, Duryodhan approached Maharaj Yudhishthira for some information. तो युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए आए। You have no enemy, so you can give me information of how to be victorious in the great battle to come. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हो, तो तुम मुझे सूचना दो कि किस प्रकार से मैं विजयी हो सकता हूँ और तुम किस प्रकार से जो भी। You see, Srila Vrindavan Das Thakur was a transparent via medium to Mahaprabhu. Yudhishthira was a transparent media in terms of honesty, integrity, and purity. जैसे कि यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में चर्चा की जा रही है, वो एक पारदर्शी माध्यम है श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपनी क्या बोलेंगे, a medium to facilitate the pastimes of Sri Krishna. वो एक माध्यम बने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए। So Duryodhan said, Yudhishthir said to Duryodhan, okay, this is how you can become victorious. और फिर युधिष्ठिर महाराज ने बताया, हाँ ठीक है, ये कारण से आप युद्ध में विजयी हो सकते हैं। The other Pandavas were there. What's he saying? बाकी पांडव भी वहीं पे, तो सब सोचे ये क्या कर रहे हैं? क्या करो, पागल? पागल हो गया क्या? So as you know, Dhritarashtra's wife, Gandhari, because Dhritarashtra was blind, Gandhari from the very age from her marriage, she also put blindfold on. तो जैसे हम जानते हैं गंधारी के बारे में कि उनके पति जो हैं अंधे थे, तो जैसे ही उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर कपड़ा बांध के अपने आप को भी अंधा रखा। She developed extreme power because of her chastity. She was sati. और अपनी सतीव्रता, अपनी शुद्धता के कारण, अपनी पतिव्रता के कारण उसने बहुत ज्यादा शक्ति जागृत कर ली थी अपने अंदर। So Yudhishthira said, Duryodhan, if you go before her naked, you'll be and she takes off her blindfold, whatever she sees will become victorious. तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि यदि तुम दुर्योधन को, कि तुम यदि पूर्ण नग्न अवस्था में अपनी माता गंधारी के सामने जाते हो और वो यदि अपने कपड़े को हटा देती है आंखों के आगे से, और जो भी कुछ वो देखेगी तुम्हारे शरीर में वो सब विजयी होने के लायक बन जाएगा। भीमा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, what's he telling him this for? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब सोचने लगे क्या बोल रहे हैं ये। This is the level of high devotees of the Lord. तो ये जो है भगवान के जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं उनका स्तर होता है ऐसा। वृंदावन दास ठाकुर ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैसे ही वृंदावन दास ठाकुर भी एक बिल्कुल पारदर्शी माध्यम है। युधिष्ठिर महाराज ट्रांसपेरेंट मीडियम, युधिष्ठिर महाराज भी पारदर्शी माध्यम है। सो देन दुर्योधन इज वॉकिंग टू गंधारीज पैलेस। तो उस समय फिर दुर्योधन जो है गंधारी के महल में जा रहे हैं। आई कैन नॉट इमिटेट कंप्लीटली, अदरवाइज दिस विल बी माय लास्ट क्लास। महाराज कह रहे हैं मैं पूरा का पूरा उनका अनुकरण नहीं कर सकता, नहीं तो ये आखिरी क्लास होगी मेरी यहाँ पे। जय महाराज, बाय महाराज। सो दुर्योधन इज वॉकिंग, तो दुर्योधन चल रहे हैं। एंड लॉर्ड कृष्ण अंडरस्टूड, ओ आई बेटर डू समथिंग। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। So then he goes to visit, he sees Duryodhan going to the palace. And he goes, hey, kakare, kakaroi. तो उस समय देखा उन्होंने दुर्योधन महल में जा रहा है, तो कृष्ण बोले, अरे ए क्या कर रहे हो ये तुम? You're naked, Baba. अरे तुम नंगे हो. How can you? Your mother is chastity personified. How can you go before your mother naked? और तुम्हारी माता जो है शुद्धता मूर्तिमान है, और तुम कैसे नग्न अवस्था में उनके सामने जा सकते हो? Duryodhan kind of like,
correct. दुर्योधन ने देखा थोड़ा नीचे और ऊपर बोला बिल्कुल सही बात है. Actually, he was. Lord asked him, "What? Where are you going?" I'm going to get protection. I'm going to become victorious by the darshan of my mother. तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में उनसे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो तुम? बोले कि मैं जा रहा हूँ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए अपनी माता के दर्शन के द्वारा. We should also always offer respect to our mothers. तो हम सबको अपनी माताओं को पूर्ण पूर्ण आदर देना चाहिए. So then Krishna said, "Ah, Bhaga, this, you know." तो आप सबने देख लिया कैसे कर रहे थे कृष्ण. At least do this for me. Huh? Krishna says, "Put on some cloth, something." भगवान श्री कृष्ण बोले अरे कुछ तो कपड़ा पहन लो, कुछ तो पहन लो कम से कम. But no, Yudhishthir said, "I should go like this." तो बोले युधिष्ठिर ने मुझे बोला है कि तुम्हें ऐसे ही जाना चाहिए. अजात शत्रु. वो अजात शत्रु है. सत्यम सत्यम है. वो हमेशा सत्य बोलते हैं. पक्का पक्का बोलते हैं. And so then Yudhishthir, Lord Krishna said, "Okay, take at least take one nice mala, flower garland. Take this big mala." तो बोले भगवान श्री कृष्ण चलो ठीक है कम से कम एक फ्लावर गार्लैंड फूलों की माला बहुत बड़ी फूलों की माला ये पहन लो. To cover your private section. कम से कम अपने गुप्त अंगों को छुपाने के लिए. But that garland, you know, it covered the part of the thigh. और वो जो माला है इतनी बड़ी थी कि उसने जो उसकी जांघाएं हैं उनको भी कवर कर लिया था. So then, as you know, the pastime unfolds that our Duryodhan was victorious in all fields of battle, but at the end he had to fight with Bhima. और जैसा हम जानते हैं कि पूरे युद्ध के अंदर वो हर स्थान पे विजयी होते गए थे दुर्योधन, परंतु अंत में उनके उनका युद्ध हुआ किसके साथ? भीम के साथ. Bhima has superior strength, but Duryodhan had superior club ability. और भीम में बहुत ज्यादा शक्ति थी परंतु दुर्योधन को और भी ज्यादा शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान की गई थी. So in this way, with an indication from the Lord, correction? No, okay. With an indication from the Lord, Bhima was told, "You hit him by his thighs, and he was defeated." तो भगवान के इंस्ट्रक्शन से, भगवान के आदेश से, भीम ने उनके सीधे जांघा पे मारने के लिए, भीम को जांघा पे मारने के लिए बोला, जिससे कि वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ. So Srila Vrindavan Das Thakur was expert in the presentation of Mahaprabhu. तो वृंदावन दास ठाकुर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सबके सामने प्रकट करने में बहुत ज्यादा दक्ष थे. He knew how to break the thighs of material attachment. तो वो जानते थे किस प्रकार से ये भौतिक आसक्ति रूपी जांघाओं को तोड़ा जाए. And his songs, the shlokas, and going to Kathuri Gram, he would glorify the Lord so wonderfully. और उन्होंने बहुत सारे गीतों को लिखा, श्लोकों को लिखा, और उनको गाते हुए वो खेतुरी गांव में जा रहे थे. It was described that during these kirtans, the sound of the kirtan would go into the cosmos. तो ऐसा बताया जाता है कि जब वो कीर्तन किया करते थे इन गीतों का, लीला गीतों का, तो वो ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में जाया करते थे वो. And it would come back again. और वापस वो उनके पास आया करते थे. There was one sadhu, Bengali sadhu in Barshana many years ago. बहुत साल पहले वर्षाना में एक बंगाली साधु था. He would listen to the Brajvasi kirtan. वो ब्रजवासी कीर्तनों को सुना करता था. And then he would just sit there after the kirtan was completed. और वो जब कीर्तन खत्म हो जाता था तो वो वहां पे बैठता था उसके बाद. He would sit there for hours afterwards. और उसके बाद कई घंटों तक वो वहीं बैठा रहता था फिर भी. So he was asked, "Hey, Baba Bhaka, hey, he's sitting here, kirtan complete?" He was asked. किसी ने पूछा, "अरे बाबा पागल हो गए, कीर्तन हो गया पूरा, अब यहां फिर भी बैठे हो तुम?" And he said, "No, this naam is coming back from the sky." तो उन्होंने बोला, नहीं, ये नाम जो है आकाश से वापस मेरे पास आ रहा है. You see, the naam seva, the kirtan seva, the pravachan seva is eternal sound vibration. तो ये नाम कीर्तन सेवा, प्रवचन सेवा, ये जो है शाश्वत शब्द ध्वनि है. Like Maharaj's class is still going on.
तो जैसे कि अभी महाराज ने प्रवचन दिया था श्री राधा गोविंद महाराज ने वो अभी भी चल रहा है sound vibration spiritual sound vibration is eternal जो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है वो शाश्वत है in other words what Srila Vrindavan Das Thakur has done by his writing by what happens during kirtan a sound vibration is created तो दूसरे शब्दों में जो कि उन्होंने श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपने लेखनी के द्वारा किया है वो एक प्रकार की कीर्तन ध्वनि है शब्द ध्वनि है and it creates an emotion within the heart of the devotee और ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि भक्तों के हृदय में एक विशेष भाव को जागृत करती है in this way we become caught up within the pastimes of the lord और इस प्रकार हम भी भगवान श्री भगवान की लीलाओं में जो है जुड़ जाएंगे now in the second canto 8th chapter text 4 there's a wonderful description of about when one chants the holy name of the lord krishna enters through that sound vibration into the heart of the devotee तो श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद आठवें अध्याय के चौथे श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से यदि कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है तो वो कृष्ण नाम जो है भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाता है It creates an emotion. वो एक विशेष भाव पैदा करता है In the shikshastakam prayers that you're chanting every morning, because I'm living in Braj, so I'm not seeing so many devotees like this together. तो शिक्षा अष्टकम जो हम सब यहाँ पे सुबह प्रतिदिन उच्चारण करते हैं महाराज कह रहे हैं क्योंकि मैं ब्रज में रहता हूँ तो इसलिए मैं आप जैसे सब भक्तों को इतने सारे इकट्ठे होके देखता नहीं हूँ कभी The chanting of the शिक्षाष्टकम prayers and then you have a picture of महाप्रभु there तो जब हम शिक्षाष्टकम का उच्चारण करते हैं प्रार्थनाओं को उच्चारण करते हैं और वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो भी होता है But you're chanting these prayers not like a parrot but with a bhav with an internal emotion to jab koi vyakti in prarthanao ka uchcharan karta hai to usko tote ki tarah nahi karna chahiye bhav se karna chahiye apne hriday ke in service to a great mission of distributing krishna consciousness aur is jo mahan mission hai jo shila prabhupada ji ka jo andolan hai is andolan ke liye karna chahiye aur krishna bhavna amrit ke vitran ke liye karna chahiye bhav refers to freedom from material identification भाव का अर्थ है इस भौतिक क्या बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन भौतिक पहचान से मुक्ति द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट इज कॉल्ड दृढ़ भाव वेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस यू बिगिन टू बी यू आर फ्री फ्रॉम द बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ और दूसरी स्थिति है दृढ़ भाव जिससे कि इस आध्यात्मिक विधि के द्वारा आप अपने देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं यू आर फ्री फ्रॉम द सिक्स मेंटल फॉल्ट्स और आप ये जो भौतिक छह दोष हैं जीवन के उनसे आप मुक्त हो सकते हो व्हिच कीप वन ऑन द बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जो कि हमको देहात्मक बुद्धि में रखे रहते हैं अगेन जस्ट सी व्हाट श्रील वृंदावन दास ठाकुर बाय क्रिएटिंग प्रॉपर साउंड वाइब्रेशन He is freeing jivas in all directions. तो देख सकते हैं हम यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को प्रकाशित करके भौतिक संसार के जीवों का उद्धार कर रहे हैं. Then there's a third stage, which is called sudrada bhav. तो तीसरी स्थिति है जिसको कहा जाता है सुदृढ़ भाव. This is where the devotee does not make distinctions. तो ये स्थान है ये स्थिति है जहाँ पे भक्त कोई भी भेदभाव नहीं करता है. It can be compared to like when it becomes like a Mahabhagavat. तो वो कह सकते हैं कि वो महाभागवत जैसा बन जाता है. One does not act in a capacity to be narrow-minded. तो कोई भी व्यक्ति इसमें संकुचित मन और बुद्धि वाला नहीं रह जाता फिर. Because when we see in terms of externals, when we see in terms of a hum, mine, I and mine, yours and yours. You and yours then we're on the bodily concept to us sthiti parantu jab hum bahya drishtikon se dekhte hain main aur mera tum aur tumhara to tab hum kya hain dehatmik buddhi mein hain vrindavan das thakur has given us direct sakshat mahaprabhu through his writings to shiv vrindavan das thakur ne sakshat mahaprabhu hame pradan kiye hain apni lekhni ke dwara so as we follow the process we want direct
association. तो जब हम इस विधि का पालन करते हैं तो हम चाहते हैं कि साक्षात संग प्राप्त करना. Nitya Siddha, Krishna Prema, Sadikabanoi, Shravanada Shuddha Chitte, Kori Udoy. And what is that direct association that is pure love for Krishna? और वो क्या है साक्षात संग, वो प्रेम, प्रेम, शुद्ध प्रेम कृष्ण के लिए. And that love can be found in the Naam through sadhu sangha in relationship to the Naam. तो वो प्रेम जो है नाम में प्राप्त किया जा सकता है साधु संघ के माध्यम से. So if we think in terms of a hum, I and mine, you and yours, we cut ourselves off from this transcendental vibration. परंतु यदि हम मैं और मेरा की दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने आप को इस आध्यात्मिक शब्द ध्वनि से दूर कर लेते हैं. We cut ourselves off from true spiritual emotion. तो हम अपने आप को असली आध्यात्मिक भावों से दूर कर लेते हैं. We cut ourselves off from our sampradaya. हम अपने आप को अपने संप्रदाय से अलग कर देते हैं. Every day you are reciting the shikshastakam, that is the essence of our sampradaya. हम प्रतिदिन आप लोग जो शिक्षाष्टकम का उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, वो सार है हमारे पूरे संप्रदाय का. But when we lose focus of what Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us, when we lose focus of what Srila Vrindavan Das Thakur has given us, when we lose focus of how Yudhisthira acted, when we lose focus of these things, then we become external devotees. जब हम इन सब चीजों पे से ध्यान हटा देते हैं, जब हम शीला वृंदावन दास ठाकुर ने हमारे को जो दिया है अप्रतिहता, जो भक्ति का हमारे को विधि प्रदान करी है, उसके ऊपर से अपना ध्यान हटा देते हैं, अपना फोकस हटा देते हैं, तो फिर हम अपने आध्यात्मिक संरक्षण को, और तब हम क्या है बाह्य भक्त रह जाते हैं, एक्सटर्नल डिवोटी बन जाते हैं. In the ninth canto, fifth chapter, we have the pastime of Durvasa Muni cursing Maharaj Ambarish. तो नौवें स्कंद के पांचवें अध्याय में हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि जो हैं अम्बरीश महाराज को श्राप दे रहे हैं. Maharaj Ambarish was also a Matpara devotee of the Lord. तो महाराज अम्बरीश जो है वो भी भगवान के मतपरा भक्त थे. But Durvasa, because of a hum, he made a great offense. और दुर्वासा मुनि अपने अहंकार के कारण उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया. You are breaking your vrata. You're offending me. तुम अपना व्रत तोड़ रहे हो, तुम मेरा अपराध कर रहे हो. साधु साधु सा महात्मा सुद्रलभा, मैं साधु हूं. Of course, yes, Durvasa had performed great tapasya, great austerity. निश्चित रूप से वो दुर्वासा मुनि है, उन्होंने बहुत तपस्या करी है. But as Maharaj is earlier saying, that there's two realities, devotional service and tapasya. तो जैसा कि महाराज पहले बता रहे थे श्रील राधा गोविंद महाराज की दो प्रकार के सत्य हैं, तपस्या और भक्ति. So Duryodhan, he performed great tapasya. Duryodhan had performed great tapasya. और दुर्योधन जो है उसने बहुत महान तपस्या करी थी. And he was thinking, how can I beat the Pandavas? और वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से जो है मैं पांडवों को हरा सकता हूँ. अहम अहम अहंकारा विमूढात्मा खार्थम इति मन्यते. So in this way, he's going before his mother naked. तो इस प्रकार से वो जा रहे अपनी माता के सामने नग्नावस्था में. And Krishna intervenes. No, take this garland. और कृष्ण बीच में आके बोलते हैं, नहीं नहीं तुम क्या करो, इस माला को पहन लो. You see, his tapasya was not in terms of devotion to the supreme. आप देख रहे हैं कि उसकी जो तपस्या है वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं है. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. If Krishna wants to kill you, no one can save you. If Krishna wants to save you, no one can harm you. यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो कोई आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता. यदि कृष्ण सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता. So in this way, when we look at those pure devotees who are via media, we follow their example. तो जब हम इस प्रकार के शुद्ध भक्तों को देखते हैं, जब भगवान के शुद्ध भक्तों को देखते हैं जो कि माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के, I was laughing when और हम उनके चरण चिन्हों का पालन करते हैं. फिर when Maharaj was speaking about the principle of a leader, तो महाराज बता रहे हैं कि मैं हंस रहा था जब राधा गोविंद महाराज एक नेता के सिद्धांतों के विषय में बता रहे थे. He was giving some example of the lotus of the party, you know, like the lotus. तो महाराज इस समय जो है जो कमल वाली पार्टी है उसका कुछ उदाहरण दे रहे थे.
I'm joking in this way when I'm saying, but I'll say that Maharaj, just joking, okay? It's completely joking. Maharaj ek mazak karne wale hai, pehle se taiyar ho jao mazak. Commercial break. Hairan mat hona. But before on Holi, with Maha Mantra, we went and visited the BJP party. Huh. To hum before Holi? Before, during Holi, during that past that time. Holi ke samay pe Maharaj keh rahe ki hum gaye BJP party ke paas aur unka swagat karne ke liye. And meeting Modi, and meeting like LK Advani, you know, Garland, and like this. Aur usme jaake mile LK Advani aur sabse mile aur unke wahan pe thoda rang bhi lagaya. Ashirvad, maybe a good election. Aur Ashirvad, ye Ashirvad hai, tum jeet jao election mein. And of course I learned about the personality a bit. For example, Modi. Aur baad mein Maharaj keh rahe hain nishchit roop se maine unke vyaktitva ke bare mein bhi kuch jana. And I was one other Brijvasi was watching, so I was watching the TV election. He was, tears were coming to his eyes. In tears. And before he went to the parliament, he would touch the steps. This is Vedic culture. Yes. To Maharaj keh rahe hain main TV mein dekh raha tha election ke bare mein, uski aankhon mein se aansu aa rahe the. और वो जब पार्लियामेंट में जा रहा है तो जैसा कि वैदिक सभ्यता है वो जाके पार्लियामेंट की सारी सीढ़ियों को छूते हुए जा रहे थे अपने सिर पे लगाते हुए I'm thinking, I've never seen a prime minister like this. महाराज सोच रहे थे कि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि एक प्रधानमंत्री भी ऐसा हो सकता है. But when I went to their compound, we drove through military guns and walkie-talkies like this and drove through, you know. American Swami, Maha Mantra, American Swami. I go, तो महाराज बोले जब मैं वहां पे गए तो वहां पे गनमैन थे, वॉकी टॉकी और सब लोग थे और महाराज उन सबके बीच में से निकल गए, शायद महामंत्र पुर साथ में थे और बोले अमेरिकन स्वामी है ये. But in the compound, there was Radha and Krishna doing holy. और अंदर जाके क्या देखा कि वहां पे राधा और कृष्ण थे, होली का चित्र भी बना हुआ था. I was thinking, this is good sign, they will win. तो महाराज ने सोचा था उस समय कि ये बहुत अच्छा लक्षण है, निश्चित रूप से इनकी जीत होगी. I won't mention the name, but I went to another party and I was speaking with the main minister for the opposing party. तो महाराज बोल रहे कि मैं फिर नाम नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे एक पार्टी के पास भी गया और उनके जो मेन मिनिस्टर है उनसे महाराज बात कर रहे थे. He is like a professor, knows Bhagavad Gita right inside and out. और वो एक प्रोफेसर की तरह था, वो भगवत गीता अंदर बाहर सब तरफ से जानता था. But there's the one problem. पर उसके साथ एक समस्या थी. Small problem. छोटी सी प्रॉब्लम. शक्तिमान प्रॉब्लम. शक्ति. There's Shakti, Shaktiman. Behind the energy is a person. The. So I was discussing. You are prime minister. I mean, you are minister. So as you're a person and your direction, your influences go throughout the country. Tumhara bole ki main usko fir samjha raha tha ki jaise tum minister ho aur tumhari shaktiyan hain jo ki puri desh ke andar jo hai rajya karti hain jisse. So in the same way Bhagavan has a personal aspect and there the energy may be impersonal. So God is both personal and impersonal. तो बोले कि निश्चित महाराज ने बताया उनको कि उसी प्रकार से भगवान भी एक व्यक्ति हैं और उनकी शक्तियां जो हो सकती हैं कुछ कुछ निराकार हो, इम्पर्सनल हो, परंतु वैसे ही भगवान है, परंतु भगवान का व्यक्तित्व है. तो इस प्रकार से भगवान के दो पहलू हैं. But it was not appreciated. पर वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था. And I also want to get another visa, so I said, Hari Bo, Hari Bo. महाराज को बोला कि मुझे भी वीजा मिल गया था आगे के लिए, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है. I was, my realization was this party's out. तो महाराज बोले कि उस समय मुझे लग रहा था कि ये पार्टी बाहर की हो गई अभी. So anyways, I was, I have one friend who deals with government affairs, and he has a friend who called him on the cell phone. तो महाराज बोले कि इनका एक मित्र है जो कि सरकारी मामलों में डील करते हैं और उनका दूसरा फोन था, मित्र था जिसने उनको फोन किया. You see, one of my services in Braj is Dham Seva and bringing the Jamuna back to Braj. तो महाराज बोल रहे कि ब्रज धाम सेवा में मेरी एक सेवा है जमुना जी को वापस ब्रज में लाना. Also planting trees around Govardhan. और साथ साथ गोवर्धन के आसपास पेड़ पौधों को लगाना. All in the name of Srila Prabhupada. और Srila Prabhupada जी के नाम पे सब. So my friend, Srila Prabhupada ki.
So that my friend, who this person, my friend's friend, has a factory on the Jamuna, right outside the main, where the Jamuna comes through Delhi, main. He has a big factory. तो जो महाराज के मित्र के जो मित्र थे उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जमुना जी के तट पे दिल्ली जहां दिल्ली में जहां से जमुना आ रही है शुरू हो रही है and then what happened was this factory is putting waste in the Jamuna. और ये फैक्ट्री क्या कर रही है उनका सारा कूड़ा कबाड़ा जमुना जी में फेंक रही है this the Jamuna this is the cultural river of India the most important river along with the Ganga. तो ये जमुना जी हैं ये एक बहुत ही विशेष इसका महत्व है भारत की सभ्यता में बिल्कुल गंगा जी के समान So the present prime minister said I want to clean up the Ganga. Yeah. I want to clean up the Ganga. Hello, who said? Modi said. तो जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला कि मैं गंगा जी को साफ करना चाहता हूं. So this friend of my friend who has the factory said you know what happened? तो जो महाराज के मित्र के जो मित्र थे वो बोले तुम्हें मालूम है क्या हुआ? This is even before the oath is tonight. Yes? Tomorrow. Oh yeah, tomorrow. Before the oath of taking office, he already made an instruction. तो वो अपने ऑफिस मिलने से पहले ही वो एक आदेश दे चुके थे. Overnight, it happened 2 days ago. Overnight, a big brick wall was made between his factory and the Jamuna. और रात ही रात में उसकी फैक्ट्री और जमुना जी के बीच में एक दीवार बना दी गई. Even before taking office. Office लेने से पहले पहले ये सब हो गया. So in this way, the in glorification of the Lord by taking care of his pastimes. For example, Sri Vrindavan Das Thakur presented Mahaprabhu as he is. तो जैसे कि हम देखते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशित किया जैसे वो हैं. Just as Srila Prabhupada presented Bhagavad Gita as it is. जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता है यथारूप. So this is a very good sign when you have a leader who wants to take care of the dham, take care of the crest jewel of India and the devotees within this holy Bharatavarsh. तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि अगर आपके पास एक ऐसा नेता है जो कि धाम की सुरक्षा करना चाहता है और जो भारत के विशिष्ट रत्न है भक्तों उनकी रक्षा करना चाहता है You see, if just the act, apart from our distribution of Krishna consciousness, just the activity of cleaning the Jamuna, bringing the Jamuna to Braj, just the activity of cleaning the Ganga. ये सारे कार्य हैं भगवत भक्ति का वितरण करना, जमुना जी की को वापस वृंदावन में लाना, गंगा जी की सफाई करना. Just the activity of serving the residents of India in a spiritual light. Oh, Shri Bharat ke jo nivasi hain unko adhyatmik roop se unko wapas jagrit karna. Just the activity of trying to provide arrangements to make people remember Krishna. Ye is prakar ke karya dekho jo ki is prakar ki vyavastha karna ki log Krishna ka smaran kar sake. Will bring people will actually make India a leader of in the world to is prakar se logo ko aamantran dena jisse ki bharat ko wapas aisi sthiti mein laya jaye ki pure vishv ka wo guru ho because what has happened here is that the truth has come through to yahan pe hua kya hai ki jo satya hai wo satya ho ke dikhaya to act in a capacity to have a kingdom in harmony with the supreme lord to इस प्रकार से कार्य करना कि आपके पास पूरा राज्य भी हो और साथ ही साथ वो भगवान से संबंधित हो And now the books that you are distributing, now the temples that you are building will be like planting seeds into fertile ground. तो अभी जो आप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं वो क्या होगा एक उपजाऊ जमीन में बीज बोने के समान होगा You see, the Shastras declare there's a period of 10,000 years, a golden age, and we may be thinking, how is it that we're struggling in so many ways? तो शास्त्र बोलते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो 10,000 साल तक स्वर्ण युग चल रहा है और हम सोचते हैं कि कैसे संभव है हम तो कई प्रकार से जो है कष्ट उठा रहे हैं
But the point being is that now we are seeing the fruits within Kali Yuga. The fruits, Pali. तो अब हम देख रहे हैं कल युग में जो फल हैं उसके. The residents of Dwapara Yuga, Satyuga, they're praying to take birth in the age of Kali. सत्युग और द्वापर युग के जो निवासी थे वो प्रार्थना करते हैं कि कब हमें कलयुग में जन्म प्राप्त होगा. One reason is because of the Harinam Sankirtan. और उसका एक कारण है हरिनाम संकीर्तन. नाम प्रभु की जय. But the second reason is because the agents, the servitors in the age of Kali Yuga, the devotees of the Lord, they are performing bhakti on the strength of devotion. और दूसरा कारण है कि जो भक्ति के विक्रेता हैं, भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, जो भगवान के भक्त हैं इस कलयुग में, वो भक्ति में कार्य को कर रहे हैं केवल भक्ति के आधार पे ही, भक्ति की शक्ति पे. सत्ययुग परफॉर्मिंग तपस्या, Treta Yuga is performing different austerities, sacrifice, Dwapara Yuga, deity worship, but this Yuga is the holy Harinam Sankirtan. तो सतयुग में लोग जो हैं तपस्या किया करते थे, त्रेता में तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, द्वापर में श्री विग्रह की पूजा अर्चना किया करते थे, परंतु कलयुग में केवल है हरिनाम संकीर्तन. And in this age, it is devotees like Srila Vrindavan Das Thakur who are part of a spiritual history. और इस युग में भक्त श्री वृंदावन दास ठाकुर जैसे भक्त जो कि आध्यात्मिक इतिहास के एक हिस्से हैं, एक अंग हैं. And devotees like Srila, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, are sent us to connect us with that spiritual history. और Srila Prabhupada ji, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ji भेजे गए हैं हमारे को उसी आध्यात्मिक इतिहास के साथ जुड़ने के लिए. And you serve those in relationship to Prabhupada, you become part of that spiritual history. यदि हम उन वैष्णवों का की सेवा करते हैं Srila Prabhupada ji के संबंध में तो हम भी उसी आध्यात्मिक इतिहास के एक अंग बन जाएंगे. So just like in the Puranas, that one verse where it goes, Naham Vaikuntha Vairande, that actually the name, service of the Nam, is where there is empowerment. तो जैसा कि पुराणों में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि ये जो नाम की सेवा है, जहाँ पे नाम की सेवा होती है वहीं पे विशेष शक्ति प्रदान की जाती है. Naham Vasamsi Vaikunthe Na Yogi Hridayai Guru. You see, the Lord from within the heart enters into those devotees' hearts who chant the holy name of the Lord. तो हम देख सकते हैं जो हमारे हृदय में भगवान को उन भगवान उन सबों के हृदय में प्रवेश करते हैं जो कि भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं. Madbhakta yanta gayanti tatatishtam inarada. The Lord is saying here that actually I do not live in Vaikuntha. I do not live in the hearts of the yogis. I reside in those places where my names are glorified. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, मैं उस स्थान पे निवास करता हूँ जहाँ पे मेरे नामों का कीर्तन किया जाता है. That is where I am. ये वो स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ. So now you're in the lap of Krishna's special mercy. तो अब हम सब आप सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की गोद में बैठे हैं. You have the acharyas. हम आपके पास हमारे पास आचार्य हैं. You have the holy name. हमारे पास हरि नाम है. So do your best to distribute this Harinam Sankirtan. हमारी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें इस हरिनाम संकीर्तन का वितरण करने में. According to your capacity. अपनी पूरी क्षमता के अनुसार. And then you can truly glorify the devotees of the Lord. Especially devotees like Srila Vrindavan Das Thakur. तब जाके हम जो है असली में गुणगान कर पाएंगे भगवान के भक्तों का, especially विशेष रूप से वृंदावन दास ठाकुर जैसे भक्तों का. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. We have time for questions or no? Time. Okay. Hare Krishna. Any questions? Comments. किसी का कोई प्रश्न या उत्तर है? ओ, प्रश्न या समीक्षा है? Yes.
मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ बोलने का महाराज, पर कृपा से मैं हाँ, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि हम ऐसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं जो भगवत प्राप्ति कराने के साधन होते हैं। तो जैसे हम चितना भागवत जब सुनते हैं तो उसमें सारे महात्म्य ऐसे ही आते हैं कि इस कथा को सुनने से भगवान चैतन्य की प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, सब मतलब पूरा पूरा लक्ष्य जो है प्राप्त होता है। ऐसे प्रभु जी से सुनते जितना मित्र प्रभु से हमेशा सुनते चैतन्य भागवत, और पहले तो प्रभु जी बहुत करते थे, मौका मिलता था प्रभु जी को करने के लिए, तो बता सकते हैं महाराज को चैतन्य भागवत हमने प्रभु जी से सुना है, सबों ने सुना है। हरे कृष्ण। The duty of the devotee is to see that Krishna sarvagata. The bhakt ka ek kartavya hai, wo dekhe ki har sthan pe Krishna sarvagata hai. The devotee of a Lord is the book Bhagavat. The Bhagwan ka book Bhagavat. Bhagwan ke jo bhakt hai, wo pustak Bhagavat bhi hai. Well, Bhagavan is a person Bhagavat. Parantu Bhagwan jo hai, wo vyakti Bhagavat hai. So the devotees, as via media, are instruments on the supreme, like puppets of the puppeteer, the puppets. तो भक्त क्या है? वो एक माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और किस प्रकार से रहते हैं भक्त? जैसे कि कठपुतलियां रहती हैं। The distribution services help you place yourself in the shoes of others. Helps you put yourself in the shoes of others. तो ये जो book distribution है, ये हमारे को सहायता करता है कि दूसरे के स्थान पे भी जाके हम उसको push कर सकें। So you're meditating how to present the book, for example, the book distributor. This is a high service. How to present the book in the heart hand of another. तो हम लोग इस बात का चिंतन करते हैं कि जो विशेष रूप से पुस्तक वितरण करने वाले कि किस प्रकार से ये पुस्तक दूसरे के हाथ में पहुंचाई जाए। And the managers are facilitating the book distribution, the preaching mission of how we can manage properly to distribute these literatures, to build these temples. और वैसे जो managers हैं, जो प्रबंध की सेवा को देखते हैं, वो भी हमेशा ये विचार करते हैं कि कैसे हम ऐसी स्थिति लाएं जिससे कि पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, कैसे मंदिरों का अच्छे से निर्माण करें। They're becoming empowered book Bhagavats themselves. तो इस प्रकार से सेवा करते हुए ये भक्त लोग साक्षात स्वयं ही book Bhagavat, पुस्तक भागवत बन रहे हैं। Even a book Bhagavat can smile and change the heart of someone. इसीलिए जो पुस्तक भागवत है वो भी अपने एक मुस्कुराहट से ही दूसरों के हृदय को बदल सकता है। Krishna's everywhere. कृष्ण हर स्थान पे है। And when you visit places like the holy Dham, Puri, Mayapur, Vrindavan. तो जब आप जो भगवान के पवित्र धाम है पुरी मायापुर वृंदावन उनका अगर यदि आप दर्शन करते हैं जाके, दिस ट्रेनिंग ऑफ द बुक भागवत पर्सनल भागवत हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टू सी कृष्णा एवरीवेयर। तो ये जो हमारी जो प्रशिक्षण है पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत का, वो हमारे को कृष्ण को हर स्थान पे देखने के लिए सक्षम बनाता है। श्रील प्रभुपाद सेड इफ यू पुट योर इफ यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स योर होल लाइफ समडे The hand that reaches out for the book will be blue. तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि आप पुस्तक हमेशा वितरण करते रहेंगे अपने पूरे जीवन, तो एक दिन जो हाथ आपके सामने बढ़ेगा पुस्तक लेने के लिए वो नील वर्ण का होगा। The devotee has the book. This book talks about yoga, meditation, how to become free from stress, and you give the book a pop 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 Parthasarthi. तो वैसे जब आप एक बार पुस्तक निकाल के आंखें बंद करते हुए आगे सामने करेंगे कि लीजिए ये पुस्तक है, इसके अंदर योगा के बारे में बताया, ध्यान के बारे में, किस प्रकार से आप अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्त बताया, और अचानक आप जब सामने देखेंगे तो पार्थसारथी। So when you visit the holy dhams, we're very Krishna's presence is especially felt there. तो जब आप भगवान के धामों का भ्रमण करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पे हम अनुभव कर सकते हैं कृष्ण के
उपस्थिति का. So my point in saying this is every single event around your life, like Maharaj is saying, is a perfect design. Utilize every event, every person, every exchange as a spiritual insurance policy for spiritual progression. तो महाराज बोले कि जैसा कि श्री राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हमारे जीवन के हर घटना जो है एक विशेष वो घटना है, भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं. तो हर घटना को महाराज कह रहे हैं हम क्या करें, उसको हम अपनी आध्यात्मिक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएं. श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ सेड बी केयरफुल हू सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बी केयरफुल विद ईच अदर, नारद मुनि कुड बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि सावधान रहो कौन आपके साथ बैठा है, सबके लिए सावधानी से सबके साथ व्यवहार करो, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन जो आपके साथ बैठे आप व्यवहार कर रहे हो वो नारद मुनि हो. So in this way, take shelter of your association and service to the Nam without and serving without offense. तो इसलिए इस प्रकार से हम शरण लें भगवान भक्तों के संग में श्री नाम की और बिना किसी अपराध के. Aspire to the Drada Bhav, Sudrada. Aspire for the Sudrada Bhav to not make distinction in mind. और सुदृढ़ भाव की शरण लें, उस स्थिति पे आए और अपने मन में किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि ना रखें. And in this way, what Srila Vrindavan Das Thakur has done, the book Bhagavat and the person Bhagavat will enter into your life. और इसी प्रकार से यदि हम रहेंगे तो जिस प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है और वो पुस्तक भागवत है, तो उनके माध्यम से वो पर्सन व्यक्ति भागवत हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे. And you and you and you will become an instrument of the Lord and experience Chaitanya Leela, Radha Krishna Leela in your life. आप और आप यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, उनके एक यंत्र बन जाएंगे, उनके सहायक बन जाएंगे और स्वयं भी अनुभव कर पाएंगे गौर लीला को, राधा कृष्ण लीला को. So in this way, if you don't, someone else will. और अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा. So become part of the spiritual party. तो इसलिए आप सब अंग बनिए इस आध्यात्मिक पार्टी के. Nam Prabhu Ki Jai, Srila Vrindavan Das Thakur Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, Srila Bhakti Siddhanta Swami Maharaj Ki Jai.